लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका सेक्टर 23 के पोचनपुर गांव में। आप मेरे पीछे देखें, गौशाला है जिसमें कि आमतौर पे जितने जानवर जो द्वारका में कभी घायल हो जाते हैं, जिनकी सूचनाएं लोगों के पास पहुंचती हैं, तो यहां की जो कार्य समिति है, गौशाला के जो संचालक लोग हैं, उनको लेके आते हैं और फिर यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर्स की देख रेख में उनका इलाज किया जाता है। ऐसे सैकड़ों पशु और यहाँ पे जो है अपना इलाज करके स्वस्थ हो चुके हैं। और न सिर्फ पालतू पशु बल्कि जो रोड पे घूमने वाले या फिर आप जिनको आवारा पशु कहें या जंगली जानवर कहें, उन सब का भी उपचार यहाँ पे बड़ी तसल्ली से ये लोग करते हैं। उनके उपचार के बाद उनको फिर उनके अन्यंत्र जो स्थान है वो या तो वहाँ पर भिजवाया जाता है या फिर जंगल के जानवर हैं तो उनको वापस जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो बहुत अच्छी ये सेवा है लोगों के द्वारा। इनका परिचय आप प्राप्त कीजिए, जानिए इनकी सेवा के बारे में। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा भीम सिंह सरावत। अच्छा, कब से ये सेवा कार्य चल रहा है आप लोगों के द्वारा? ये हमारा हो गया होंगे करीब 10-12 साल हो गए होंगे। अच्छा, और किस किस तरह की सेवा आप लोग देते हैं? हम अचानक कोई गाय, जैसे हमारे को पता लग जाए कोई गाय मतलब एक्सीडेंट में टूट गई, किसी को टक्कर मार के भाग गया, कोई छोटा बछड़ा है उसको कोई कुत्ते खींच ले, कुत्ते काट रहे हैं, कोई पता लगा दे, हम उसको लेके अपना जैसे भी हमारी कोशिश होती है टेम्पो से, रिक्शा से या जैसे भी उसको ले आकर यहाँ पे और उसकी सेवा करते हैं। उसका वगैरह का सहयोग कहाँ से मिलता है? दवाएं वगैरह कैसे अरेंज होती हैं? ये यहाँ आसपास के लोग हैं जो आपस में मिल के सहायता करते हैं और अरेंज कर लेते हैं डॉक्टर का भी। गवर्नमेंट के जो पशु हॉस्पिटल हैं, क्या उनसे कोई सहायता मिल जाती है? कौन सहायता करता है, किस तरह से होता है? डॉक्टर्स यहाँ आते हैं आपके कहने पर? नहीं, उनके तो डॉक्टर नहीं आते, पर वहाँ से दवाइयाँ उपलब्ध हो जाती हैं। अच्छा, हाँ, दवाइयाँ ले आते हैं। आप लोग कर देते हैं उनको अगर इंजेक्शन वगैरह की आवश्यकता हो या गोलियाँ देने की, दवाई देने की आवश्यकता हो? हाँ, उनका इलाज हम कर देते हैं, सभी मिलके, सभी भाई मिलके उनका इलाज कर देते हैं, ठीक ठाक करके फिर छोड़ देते हैं। अच्छा, तो जिस तरह से इलाज आप लोग करते हैं तो अब आप लोग भी अनुभवी हो गए होंगे, जाहिर है कि जो पशु हैं वो ठीक हो ही जाते होंगे। हाँ, देखिए मैं तो नहीं, बट हमारे बाकी हैं, सुधीर भाई हैं। सुधीर भाई बहुत टाइम से जो है, सुधीर भाई बहुत टाइम से सेवा कर रहे हैं, तो ये सारा इंजेक्शन इनको पूरा एक्सपीरियंस है। बोतल चढ़ाना हो या जो है क्या कहते हैं दवाई देना हो, इंजेक्शन लगाना हो, सब सुधीर भाई करते हैं। सुधीर भाई, कितना मुश्किल कार्य रहता है, चूँकि जो इंसान है वो तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता है, जानवर अपनी पीड़ा बता नहीं सकते, आपको महसूस करना होता होगा। जो महसूस करते हैं वो कर देते हैं, जैसे कोई टूटा फूटा कीड़े हो गए, जिसको किसी का पैर टूट गया, सींग टूट गया, किसी का टूटा फूटा रोड एक्सीडेंट, वो कर देते हैं। और जो ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई अंदर ही कोई दिक्कत है हमारे नॉलेज में नहीं है, उसको हम वो सुनील भाई है जज्जर, उसकी गौशाला में भेज देते हैं उसको, और जो यहाँ पॉसिबल होता है उसको यहीं ठीक कर देते हैं। इस समय धन की कमी आड़े आती होगी कहीं ना कहीं, या कैसे मैनेज करते हैं आपस में, चंदा वगैरह करते हैं? हाँ, आती है, आगे आड़े आती है, ज़रूर आती है, लेकिन बस कभी कभी कोई भाई मदद कर देता है, कभी कोई भाई, जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है वो पीछे नहीं हटता। उसे अभी जैसे 15 दिन पहले गाय ब्याई थी और रात को वो गाय बड़ी टफ ब्यारी थी, डॉक्टर की भी ज़रूरत पड़ गई, पैसे की भी ज़रूरत पड़ गई। एक इनका बड़ा भाई था, वो शादी से आ रहा था, उसके पास फ़ोन किया, उसके पास भाई वो पैसे भी थे, डॉक्टर को 2000 रुपये दिए और डॉक्टर भी बुलाया, तो इसी तरह बस मैनेज हो जाता है। क्या लगता है सरकारों को इस ओर और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकारों की तरफ से इस तरह की आमतौर पर सुविधाएं हैं नहीं? जो पशु चिकित्सालय बने हैं वहाँ केवल जिन पशुओं को ले जाया जाए, यानी खासतौर पर जो हमारे घर के पेट डॉग्स हैं या जितने पेट पशु हैं उनका इलाज तो हो जाता है, बाकी जो रोड पर एक्सीडेंटल जिस तरह से जंगली जानवर हों या फिर कहें आवारा पशु हैं, उनके इलाज की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है? देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है, जानवरों के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए, एम्बुलेंस सिस्टम होना चाहिए। हरियाणा में जो है, जैसे अभी सुनील भाई का जिक्र किया, वो चल कर रहे हैं हरियाणा में, उन्होंने पूरा एक एम्बुलेंस का नेटवर्क बना रखा है, बट सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सरकार के पास डॉक्टर भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उनके पास हॉस्पिटल्स भी हैं, क्लिनिक है, सब है। सरकार को ज़रूर इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट का काम हो रहा है, डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काट के बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, धीरे धीरे सारे पशु सड़क पर आ रहे हैं, और सड़क पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है कि वो जानवरों को बिल्कुल समझ नहीं होती इनको गाड़ी से कैसे बचना है, क्या करना है, वो अनजाने में
आदमियों का भी नुकसान होता है उसमें और जानवरों का तो होता ही होता है। तो इस विषय में सरकार को ज़रूर मतलब हर एरिया में नहीं तो कम से कम स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फैसिलिटी ज़रूर डेवलप करनी चाहिए सरकार को कि जहाँ पर हम जो है रोड एक्सीडेंट में कोई कॉल करके एम्बुलेंस आ सके गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट उसको ठीक कर सके। क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं लेकिन हम लोग इतने छोटे लेवल पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल, व्यक्तिगत स्तर पे जो तमाम प्रयास हैं वो लोग करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पे किए गए प्रयासों के चलते ही इस तरह की जो गौशालाएं हैं या कहें पशु जो चिकित्सालय हैं इंडिविजुअल्स वो चल पा रहे हैं। आप क्या सेवा करते हैं यहाँ? जी हमारा यहाँ सानी गोबर करते हैं, इनका देखभाल करते हैं, जो भी इनकी सेवा में हम गोबर सानी करते रहते हैं। अभी जो नील गाय का बच्चा है उसको कितनी तकलीफ है, कब तक ठीक हो जाएगा, कुछ अनुमान लगाया आपने? हाँ, अब जैसे पहले ये आया था उस टाइम तो कुछ खा पी नहीं रहा था, डर रहा था, अब तो ये चारा मारा देते हैं तो ये खाने जाता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और पशुओं के लिए भी ऐसी बेहतर व्यवस्थाएँ हों, चाहे वो आवारा पशु हों या जंगली हों, उनके इलाज के लिए और ज़्यादा अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता है। जाहिर है कि कम से कम राज्य में एक अस्पताल तो उनके लिए खोला ही जाना चाहिए। सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।